वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पर। और आपके लिए हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी की एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है वो इस वीडियो में देखेंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आंसर की डिटेल और रेलवे ग्रुप डी का परिणाम रेलवे कब तक जारी करेगा उसकी फुल डिटेल्स इस वीडियो में है। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखें, और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके अपनी राय वीडियो के बारे में ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो चलते हैं सीधा उस इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो क्या है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है एक न्यूज़पेपर की न्यूज़, जिसके लिए मैंने ये वीडियो को आपके साथ वीडियो को लेके आपके सामने आया हूँ। तो देखते हैं क्या है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी परीक्षा की उत्तर कुंजी 11 को जारी करेगा, 17 तक लेगा आपत्तियाँ, परिणाम इस माह के अंत तक। तो फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी 62,907 पदों को लेकर 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक, उसकी जो आंसर की है वो 11 जनवरी तक रेलवे के द्वारा जारी कर दी जाएगी। 17 जनवरी तक आप उसमें अपनी आपत्तियां हैं वो आप जाहिर कर सकेंगे, और इसका परिणाम है वो इस महीने के अंत तक जारी हो जाएगा, ऐसा रेलवे का कहना है। तो फुल इसके बारे में ये डिटेल से पढ़ लेते हैं अपने। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये लीजिए। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड 11 जनवरी को ग्रुप डी की आंसर की उत्तर कुंजी जारी करके माह के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 62,907 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित की थी। इसमें करीब 1,89,89,00,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार परीक्षा की आंसर की 11 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। आंसर की को देखकर अभ्यर्थी अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। यदि उन्हें किसी प्रश्न अथवा उत्तर के विकल्प पर आपत्ति होती है तो वह 17 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर उत्तर कुंजी को देख सकेंगे। बोर्ड परीक्षा का परिणाम इस माह के अंतिम सप्ताह अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी कर देगा। इससे सफर रहने वाले अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसकी तिथियाँ बोर्ड की ओर से रिजल्ट के साथ ही घोषित कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रेलवे का कहना है कि वो 11 जनवरी तक अपनी आंसर की जारी कर देगा, और 17 जनवरी तक आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद रहा इसकी रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद रिजल्ट के साथ ही जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन होता है उनकी फिजिकल इक्विपमेंट जो होती है उनकी डिटेल्स भी रिजल्ट के साथ ही रेलवे बोर्ड द्वारा घोषित कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मैंने इस वीडियो को बनाया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। और हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, गुड लक फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।